नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं भारती सिंह। खबर ऐसी जो सीधा अफसर शाही पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। एटा के जैसलमेर में एक पाकिस्तानी महिला अपने कागजात छिपाते हुए ग्राम प्रधान बन गई, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं हुई। ये महिला 11 महीने तक प्रशासन की नाक के नीचे लगातार अपनी प्रधानी चलाती रही और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। जी हाँ, तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में दिख रही ये महिला पाकिस्तानी नागरिक बानो बेगम है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्राम पंचायत सदस्य ने इस महिला की जिला अधिकारी से शिकायत की। इसके बाद से ही पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में प्रशासन ने पाकिस्तानी महिला की जांच कराकर महिला प्रधानी से इस्तीफा लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। हालांकि जब इसे लेकर महिला से बातचीत की गई तो उसने खुद को अनपढ़ बताया और पूर्व प्रधान के परिजनों पर ही फर्जी कागजात तैयार कर खुद को प्रधान बनाने का आरोप लगा दिया। बाबूजी, हम प्रधान ही नहीं लड़े, ना हमने चुनाव लड़ा है। उसके प्रधान की भाभी खत्म हो गई थी तो उसने हमें प्रधान बनाया था। मैं मतलब वो मीटिंग लगी थी, उसने हमें प्रधान किया था। उसके बाद जो कुछ किया उसने किया, वो बन मेंबर करा था उसने ही करा, आधार कार्ड हमारा उसने बनवाया, फोटो वोटो खींचे खिंचवा के ले गया। हमें कुछ मालूम नहीं, हम अनपढ़ आदमी, हम क्या जानते हैं। हम पढ़े लिखे हों तो हम कुछ जाने ना। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार से ये प्रशासनिक बड़ी चूक निकल कर आई है। इससे ये बात साफ होती है कि अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच होती है तो इस जांच के फंदे में कई बड़े अधिकारियों की गर्दन फंस सकती है। दरअसल ये पूरा मामला एटा की तहसील जलेसर के ग्राम गुदाऊ का है, जहां पिछले 40 सालों से अपने पति और बच्चों के साथ रह रही पाकिस्तानी नागरिक बानो बेगम ग्राम प्रधान जनवरी 2020 में कार्यवाहन ग्राम प्रधान बनी थी। जनवरी 2020 में ग्राम प्रधान शहनाज बेगम की मौत के बाद बानो बेगम को ग्राम का कार्यवाहक प्रधान चुना गया था। करीब 11 महीने ग्राम की प्रधानी चलने के बाद बानो बेगम का राज खुला तो ग्राम पंचायत सदस्य कुवेदान के साथ ग्रामीणों ने डीएम एटा से इसकी शिकायत की। सरकार, हम अनपढ़ आदमी हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारी जो पत्नी है जो अपने पिता के वीजा पे आई थी, इन पर कोई पासपोर्ट वीजा नहीं है। जो एटा के ऑफिस वाले आते हैं एक साल बाद वो बाहर रिन्यू करा देते हैं। अब की साल दो साल बाद हुआ है। हमारा एक पड़ोसी है मोहल्ला का, बिरादरी है अमीर सर नाम का, उसने ही मतलब वोट वोट डलवाए। उसकी भाभी प्रधान थी, उसके बाद वो जब ख़त्म हो गई तो मेंबरों के हिसाब से उन्होंने हमारी पत्नी को मतलब कि चाची तुम प्रधान हो गई, और इस वजह से मतलब अंगूठा लगवाता रहा। हम तो कोई जानकारी नहीं थी, और एक बार उसने आकर के क्या कुछ पैसा निकालना है अंगूठा लगा दे तो हमने मना कर दिया भैया अंगूठा नहीं ले, ऐसे पैसे हम कैसे निकालेंगे भैया, गरीब आदमी है। जो वो इसी वजह से उसने हमारे साथ दुर्घटना की, मार पीटे भी की। हमारा उसने एक मकान घेर लिया ज़बरदस्ती, अपना ताला डाल दिया, आधा मकान तोड़ भी दिया है और पूरा सामान खींच ले गया। और उसने हम पर मुकदमा भी लगाया, हम अभी एक महीने पहले जेल काट के आए हैं। सरकार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जब सच्चाई जानने गुदाऊ गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने बेगम बानो के विरुद्ध जिला प्रशासन में की गई शिकायतों के दस्तावेज दिखाते हुए सरकारी कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। बेगम बानो अनपढ़ हैं, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है कि उन्हें कब प्रधान बना दिया गया। इस मामले पर क्या कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, उसमें ग्राम पंचायत की बैठक कॉल हुई थी, बैठक में सर्वसम्मति से जो है उनके नाम का प्रस्ताव आया था। देखिए, ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक होती है, जो भी ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वही ग्राम पंचायत की बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, इसमें प्रस्ताव जो है ग्राम पंचायत के पास करने की जिम्मेदारी है, उनके सदस्य ही प्रस्ताव पास करते हैं। और अगर कोई प्रस्ताव ऐसा गलत पारित होता है तो वो तो ग्राम पंचायत सदस्यों की ही जिम्मेदारी। अच्छा डीपी साहब, एक और जानकारी करनी है, जो चुनाव लड़ने की एक क्वालिफिकेशन है उसमें ये है कि विदेशी नागरिक नहीं लड़ सकता, ऐसा कुछ है क्या? जी जी, भारत का नागरिक होना जरूरी है। अभी इस बारे में कोई जांच के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। नहीं, प्राइमा फेसी आपने जाँच की है जो, उसमें क्या निकल के आया? अभी वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कंक्रीट कुछ जब पुलिस की जाँच हो जाएगी तभी कुछ कह पाना संभव होगा। फिलहाल प्रशासन ने भले ही बानो बेगम के विरुद्ध मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन अगर इसकी गहराई से जांच होती है तो कई अधिकारियों की गर्दनें इसमें फंसती नजर आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।